अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान में देने वाली रोहिणी आचार्य अपनी मां राबड़ी देवी की हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में डट गई है। रोहिणी आचार्य के नाम से ही आप वाकिफ हो गए होंगे कि किस प्रकार बेटी ने अपने बाप को किडनी दान में दिया था। जिस संसदीय क्षेत्र से रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, यह उनके पिता लालू प्रसाद यादव की कर्म भूमि है और उनका गढ़ रहा है। लेकिन उनकी मां राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार गई थी। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले केस के बाद राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़ती हैं और पराभव का मुंह देखती हैं। अब वह हार लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार को सालती रही है और अब बिटिया आ गई है चुनावी मैदान में। मां को हराया था तो अब उसे हम हराएंगे। रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं और नौ भाई बहनों में यदि देखा जाए तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाइयों से यह बड़ी हैं। यूपी के कई लोकसभा चुनावों की चर्चा सुनाते सुनाते आपको लग रहा होगा यूपी में ही रह जाएंगे, पूर्वांचल में ही रह जाएंगे, गाजीपुर और वाराणसी चंदौली आजमगढ़ इस बलिया से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, बलिया के बाद हम थोड़ा सा अब बिहार में अग्रसर होते हैं। यूपी की सीमा लास्ट सीमा बलिया है और बलिया के बाद आ जाता है बक्सर और एक तरफ छपरा सारण आ जाता है। हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब हूँ आएंगे, तो हम छपरा में आ गए हैं। खेसारी लाल यादव का यह गीत सुना होगा आपने। अब हम चलते हैं बिहार में आपको लेकर के सारण, जिसे छपरा कहा जाता था, अभी भी सारण मंडल है संभवतः। बहुत से वीडियो डालने से लोग देखेंगे नहीं, एक दिन में अधिक से अधिक चार वीडियो डाले जा सकते हैं, उससे अधिक डालने पर लोग कहेंगे कितना वीडियो आ रहा है। तो हम दो वीडियो, एक वीडियो, तीन वीडियो, अधिक से अधिक चार वीडियो डाल देते हैं। दो चैनल हैं हमारे, एक यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मारकंडे और दूसरा है जनतंत्र भूषण, और ब्रजभूषण मारकंडे के नाम से ही पेज भी है, उस पर भी हम वीडियो डालते हैं। अब हम आपको बिहार के सारण में ले चलते हैं, जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी उस चर्चित सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में लगभग सभी सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कैंडिडेट, गठबंधन के कैंडिडेट आ गए हैं और अब बिहार की सारण लोकसभा सीट पर, जहां अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी का दान करने के बाद रोहिणी आचार्य जो काफ़ी चर्चा में आई थी मैदान में डट गई हैं। बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में भी रोहिणी ने वाहवाही लूटा था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था बेटी हो तो ऐसा, और बेटा और बेटी में भैया कोई अंतर थोड़े ही है। देखिए ना, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने, दोनों बेटे रह गए और बेटी ने किडनी दान दे दिया। लालू प्रसाद यादव अपने बाप की जान बचाया। बेटी दिवस पर रोहिणी सोशल मीडिया की विशेषांक बनी रही। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी रोहिणी और लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की चर्चा तबीयत से किया। रोहिणी आचार्य स्वयं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर समय समय पर लोगों को इस प्रकार की जानकारी देते हुए सिंपैथी भी बटोरा और वाहवाही भी लूटा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब लालू प्रसाद यादव को होश आया तो उन्होंने पहला सवाल किया कि रोहिणी कैसे है। किडनी देने और ऑपरेशन सफल होने के बाद जब पहली बार लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी से मुलाकात होती है, आंखें दो चार होती हैं जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वह काफ़ी भावुक क्षण था जिसे लोगों ने देखा और कहा बेटी हो तो ऐसा। देश में ऐसी बेटियों की कमी नहीं है दोस्तों, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया हो, अपने भाई को दिया हो, अपने माँ को दिया हो, रक्तदान किया हो और अपने परिवार के लोगों को दिया हो, अपने पति को दिया हो। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो ससुराल में रह करके भी बेटियाँ आई हैं और अपने पिता को, अपने भाई को किडनी दी हैं। ससुराल वालों ने ही कहा है जाओ और इस अवसर को मत छोड़ो। दोस्तों, इस मामले में अब लालू प्रसाद यादव का से जुड़ा हुआ यह मामला था, इसलिए सोशल साइट्स और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियों का एक तरह से काफ़ी उसमें इसे जगह मिली। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और उनके सामने यदि प्रमुख प्रत्याशी को देखा जाए तो वह हैं राजीव प्रताप रूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2014 और 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सारण से खिलाया।
रोहिणी आचार्य जहाँ पेशे से डॉक्टर हैं, वहीं राजीव प्रताप रूड़ी विमान उड़ाने की विशेषज्ञता को धारण किए हैं। राजीव प्रताप रूड़ी पेशे से शिक्षक भी रहे हैं। बिहार का 26 वर्ष का वह युवा जब पहली बार विधानसभा में प्रवेश करता है चुनाव जीत कर, तो वह बिहार में एक पहचान बनाता है और लोग उसे जानना शुरू करते हैं। इसे जानने से पहले हम ले चलते हैं बिहार के सारण सीट पर, जहाँ रोहिणी आचार्य ने चुनौती के तौर पर इसे लिया है। भरी दोपहरी हो या फिर देर रात, रोहिणी क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ डटी हुई हैं। इस सीट पर फिलहाल दो बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सारण लोकसभा क्षेत्र लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे के लिए काफ़ी महत्व का की सीट यह बताई जाती है। लालू प्रसाद यादव प्रथम बार सारण की सीट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे। लालू प्रसाद यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके दोनों बेटे वर्तमान में विधायक हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। पूर्व में डिप्टी सीएम थे और एक बेटा कैबिनेट मंत्री था। लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले बहुत हैं और उनके उनकी पार्टी के लोग, उनके चाहने वाले लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। पिता को किडनी दान देने के बाद रोहिणी आचार्य इस तरह से सेलिब्रिटी हुई कि उन्हें देखने वालों की एक तरह से क्षेत्र में महिलाएं विशेष रूप से देखना चाहती हैं और देख करके कह रही हैं, यह लड़कियाँ रहे ना जौन अपनी बाबू के लालू यादव के किडनी दे ले रहे। तो इस तरह से भी है, महिलाओं का बड़ा वो होता है, दूसरे का दुख देख करके दुखी होती हैं, दूसरे के दुख में दहाड़ मार करके रोने लगती हैं। और रोहिणी को आशीर्वाद भी मिल रहा है और महिलाएं देखने के लिए बेताब भी हैं। बताते चलें, 1977 में प्रथम बार लालू प्रसाद यादव सारण लोकसभा सीट से लोक दल के बैनर से चुनाव लड़ करके विजय हासिल किए थे। 1977 के समय इस सीट को छपरा लोकसभा कहा जाता था। जैसा कि हमने बताया, 26 वर्ष की उम्र में राजीव प्रताप रूड़ी राजनीति में आते हैं, विधायक हो जाते हैं। पटना के एक संभ्रांत परिवार से में इनका जन्म होता है। अगर जातीय आधार देखा जाए तो राजपूत बिरादरी से आते हैं। पटना में यह लेक्चरर भी थे। अच्छे खानदान से ताल्लुकात और अच्छे पैसे वाले परिवार से हैं। वर्ष 2004 में छपरा सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव के सामने राजीव प्रताप रूड़ी चुनाव लड़ते हैं। हार का सामना करना पड़ता है। अगला चुनाव आता है 2009 का, लोकसभा का आम चुनाव। उस चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव का मुकाबला राजीव प्रताप रूड़ी से ही होता है। लालू प्रसाद यादव से वह हार का मुँह देखते हैं और उसके बाद 2014 और 2019 में उनका कब्जा सारण लोकसभा सीट पर है। इस दौरान 2014 में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराने में राजीव प्रताप रूड़ी को सफलता प्राप्त हुई और उनके समधी को भी उन्होंने हराया, यानी लालू प्रसाद यादव के समधी को। राजीव प्रताप रूड़ी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी मिनिस्टर रहे और मोदी जी के कार्यकाल में भी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी उन्हें चुना गया। राजीव प्रताप रूड़ी का जन्म 1962 में हुआ था। राजपूत बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाले रूड़ी भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। संगठन में भी इनकी काफ़ी विश्वसनीयता और प्रभाव है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की कुल 9 संतानें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी निशा भारती हैं और दूसरे नंबर की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो चुनावी मैदान में हैं और जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान किया सिंगापुर में। रोहिणी के बाद लालू प्रसाद यादव की अन्य 4 बेटियां हैं, तत्पश्चात तेज प्रताप यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव और अंतिम 9वीं संतान के रूप में, जिसे पेट पुछना और पेट पुछनी की कहा जाता है हमारे तरफ से, अंतिम संतान को जो बेटी पैदा हुई उनका नाम राजलक्ष्मी है। वैसे तो रोहिणी का विवाह इंजीनियर शमशेर सिंह से हुआ है, जो सिंगापुर में आईटी फील्ड के इंजीनियर हैं और रोहिणी उनके साथ ही सिंगापुर में अधिक समय बिताती हैं। 2022 में जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की ज़रूरत पड़ी तो रोहिणी की किडनी मैच करने लगी और एम्स के चिकित्सकों की सलाह पर रोहिणी ने सिंगापुर में अपने पिता के लिए किडनी का दान किया था। भारत जैसे देश में भावनाएं प्रबल हैं, सिंपैथी के आधार पर बहुत चीज़ें
सफलता के सूचकांक पर पहुंचती हैं। बहुत बार इस प्रकार सिंपैथी तूफान मारती है कि बेचारे और बेचारी पर कृपा बरसाया जाता है। बेचारा 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 चुनाव लड़ रहा है, बेचारी, तो बेचारा और बेचारी चुनाव में बड़ी भूमिका का कारक होता है और लोग चुनाव जिता देते हैं। इसमें क्या होगा मुझे नहीं पता। दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध में डट गई हैं। रोहिणी आचार्य जहां केंद्रीय मंत्री के रूप में शुमार होने वाले, राजीव प्रताप रूढ़ी पर विकास न होने का आरोप लगा रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू प्रसाद के जंगल राज और उनके भ्रष्टाचार, चारा घोटाला इत्यादि को आधार बना करके इस सीट पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ आबादी और मतदाता यहाँ यादव बिरादरी के लोग हैं, दूसरे नंबर पर राजपूत बिरादरी के लोग हैं, यानी दोनों बिरादरी के लोग क्रमशः लड़ रहे हैं। यादव बिरादरी से यदि ताल्लुकात रखती हैं लालू प्रसाद यादव की बिटिया, तो राजपूत बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उसके बाद अन्य जातियां हैं, और फिर दलित भी हैं, मुस्लिम मतदाता भी हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। जैसा कि हमने बताया, क्या होगा इस चुनाव में, फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी के बीच यह संग्राम अब शुरू हो गया है। दोनों तरफ सेनाएं डट गई हैं। यह सियासी जंग कौन सा असर करेगा और किसका पलड़ा भारी होगा, ऊंट किस तरफ बैठेगा और किसको इस सियासत में जीत हासिल होगी, यह तो अतीत के गर्भ में है। फिलहाल सारण लोकसभा का यह हमारा जो मोटा मोटा वीडियो था, आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।